What's up guys, so I'm back with another video and आज का जो हमारा वीडियो है वो हम हिंदी में करने वाले हैं और हिंदी में करने का उसको मकसद यही है कि मैं चाहता हूँ कि एक लार्जर इंडियन ऑडियंस तक ये वीडियो पहुँचे. द टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे वो है कि वेट ट्रेनिंग कैसे आपको वेट कम करने में मदद करती है. मतलब कसरत करना, सिर्फ कार्डियो नहीं, कसरत करना आपको वजन घटाने में कैसे मदद करता है. तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं. अब सबसे पहला सवाल जो कि बिगिनर्स पूछते हैं वो ये है कि क्या वेट ट्रेनिंग एक्चुअली हमें करनी चाहिए अगर हमारा एम सिर्फ वेट लूज करने का है. जवाब है हाँ, पर उसका सही कारण जानना जरूरी है. अब बहुत लोगों को मैंने देखा है ये कारण बताते हुए कि एक कार्डियो सेशन से ज्यादा एक वेट ट्रेनिंग सेशन में कैलोरीज बर्न होती है. बिल्कुल गलत है ये. अनलेस कि आपका जो कार्डियो वाला सेशन है उसमें आप 5-7 मिनट वॉक कर लेते हैं या 10 मिनट दौड़ लेते हैं तो अलग बात है, वरना एक प्रॉपर मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ कार्डियो सेशन जो करा जाता है उसमें हमेशा कैलोरीज ज़्यादा बर्न होंगी एक वेट ट्रेनिंग सेशन से कंपेयर अगर आप करेंगे, अगर आप तुलना करेंगे दोनों की तो. लेकिन वेट ट्रेनिंग भी आपकी कैलोरीज बर्न करने में मदद करती है. कैसे वो मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले हमने जो आपको एक वीडियो में बताया था द प्रिंसिपल ऑफ सुपर कॉम्पनसेशन, मतलब जब हम मसल बिल्ड कर रहे होते हैं, जब आपकी बॉडी स्ट्रॉन्गर और ज्यादा बड़े मसल फाइबर्स हो रहे होते हैं, उस ट्रेनिंग की वजह से जो आपने उसको प्रोवाइड करी है वेट ट्रेनिंग की, उस प्रोसेस में कैलोरीज यूज करता है बॉडी, उसको आफ्टर बर्न इफेक्ट बोलते हैं वेट ट्रेनिंग का. तो जो आफ्टर बर्न इफेक्ट है वो एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है. मतलब आपके वर्कआउट खत्म होने के बाद आपकी कैलोरीज जो कार्डियो से बर्न हुई थी वो उतनी ही बर्न होंगी, पर वेट ट्रेनिंग से उस पूरे प्रोसेस में, उस पूरे साइकिल में जब आपका बॉडी रीग्रो कर रहा है, जो कि आपको बताया गया था 24 से 48 घंटे होते हैं एक मसल का ग्रोइंग पीरियड, उस पूरे प्रोसेस में कैलोरीज लेता है आपका बॉडी और कैलोरीज बर्न करता है आपका बॉडी. तो सिंपल सी बात है, मसल ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैलोरीज बर्न होती हैं और वो 24 से 48 घंटे तक बर्न होती हैं. अब उसका क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द मसल पे, वॉल्यूम कितना था वर्कआउट का, इंटेंसिटी कितनी थी वर्कआउट पे, बहुत सारी डिफरेंट जो है वो चीजें हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं, लेकिन एक सर्टन अमाउंट, एक बेस अमाउंट करती हैं. ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा हमेशा कि आप कौन सा वर्कआउट कर रहे हैं. ऑब्वियस सी बात है कि कौन सा वर्कआउट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप कंपाउंड एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हैं उससे रिकवर करना भी ज्यादा मुश्किल है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा कैलोरीज भी बर्न करेंगे. ठीक है, आइसोलेशन एक्सरसाइजेस जो है वो उतनी कैलोरीज भी बर्न नहीं करती हैं. सिमिलरली आपके पूरे शरीर पे कंपाउंड एक्सरसाइजेस ज्यादा मसल पुट ऑन करती हैं, आइसोलेशन एक्सरसाइजेस कम करती हैं, क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइजेस मल्टी जॉइंट मूवमेंट्स हैं. तो जितना ज्यादा वो मसल्स को हिट करेंगे, जितना ज्यादा उस मसल्स को ग्रोथ की जरूरत पड़ेगी उस ग्रोथ विंडो में, उतनी कैलोरीज आपकी बर्न होंगी. उसको हम लोग बोलते हैं आपका आफ्टर बर्न. इस तरीके से वेट ट्रेनिंग आपके वजन घटाने में मदद करती है. ये सिर्फ वजन घटाने की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको बेटर दिखने में मदद करेगी, आपको थोड़ा और ज्यादा मस्कुलर बनाएगी, वो सब चीजें तो साइड में भी हम रख देते हैं. इसलिए ये आफ्टर बर्न इफेक्ट था जो आपको हेल्प करता है वेट ट्रेनिंग.